गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी, ट्रेन सेवा प्रभावित। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें बनी झील, जल जमाव को लेकर सड़कों को किया गया बंद। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी, कई गाड़ियां पानी में खराब हुई, लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को ले जाते दिखे। गुजरात के आनंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में घुसा नदी का पानी, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर जगह पानी पानी, अंडरपास में पानी भरने से रास्ता हुआ बंद। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज हवा के साथ बारिश ने मचाई तबाही, फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों में छाई मायूसी। मुंबई से सटे ठाणे के घर पर गिरा प्लास्टर, हादसे में 2 लोग घायल। पुणे में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, नदी में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुणे में भारी बारिश के बाद पानी में डूबी गाड़ियां, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम, नाव के सहारे लोगों को किया रेस्क्यू। मुंबई में तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भरा पानी, फिलहाल यातायात के लिए किया बंद, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश और तेज हवाओं ने मचाया कहर, केले की खेती करने वाले किसानों को हुआ भारी नुकसान। मनाली के अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़, एक पावर प्रोजेक्ट और कुछ घरों को पहुंचा नुकसान। जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहने लगा शिव भक्त, SDRF के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर युवक को सुरक्षित निकाला। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से भोलानाथ कॉलोनी में दिखा जलभराव, नाव के सहारे सफर करने के लिए लोग मजबूर। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत।